press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, this is Krishnakant Singh. This is Shilpa Singh Rajput. Again, welcome back to our channel Krishna Views. तो गाइस आज हम कौन सी वीडियो लेके आए हैं? पोस्टो सॉन्ग। हाँ, और हमने पास्टो सॉन्ग हमने ऑलरेडी किया हुआ है शेर खान वाला, उस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला था क्योंकि उनकी परमिशन हमें मिल गई थी। और ये दूसरे हैं, क्या नाम है सॉन्ग का, सिद्दीक सबाब इनका नाम है। अच्छा। ठीक है, और सॉन्ग का जो नेम है वो है गर्दादे लामाना। एक्चुअली हमें कुछ समझ नहीं आया क्या है, मतलब क्या मैंने गूगल ट्रांसलेटर भी यूज़ किया कि मैं इसको समझ जाऊँ, लेकिन उसमें भी वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है सही से। तो हमें पता नहीं है कि सॉन्ग किस चीज़ से रिलेटेड, लेकिन हमने इसको जब प्ले करके देखा थोड़ा बहुत, तो इसमें अटर्न भी हमको देखने के लिए मिला। और ये जो चैनल है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि मैंने उनको ऑलरेडी उनके चैनल पर गया, उनका मेल ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैंने उनको फेसबुक पर मैसेज कर दिया है परमिशन के लिए। तो होप अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक वगैरह मत देना हमको, क्योंकि हम लोग पठानों के फ़ैन और पठान धीरे धीरे हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं और प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। और हमने जैसे कि अवर माइंड्स की जो हम लेटेस्ट वीडियो की थी उसके अंदर मैंने ये पूछा था कि आप लोग ये बताओ कि आपका फेवरेट रिएक्शन चैनल कौन सा उसके अंदर इतने सारे कमेंट हैं, मतलब तुम पढ़ो ना सही में तो तुम्हें इतना प्यार बरसाया ना लोगों ने कि मैं क्या कहूँ यार, मतलब अब मैं मजबूर हो गया हूँ कि उनके सॉन्ग सुनो। और मैं उनके ये वाले सॉन्ग पे भी रिएक्शन करना चाह रहा हूँ, क्या है ना, मैं गुलपर्णा सिंगर है वहाँ की, उन्होंने बहुत सारे गाने वाने गाए हैं, लेकिन पोक स्टूडियो पे मैंने देखा था उनको और मैंने उनके बहुत सारे सॉन्ग सुने, तो मुझे ऐसा लगा ना यार इस सॉन्ग को तो करना ही बनता है। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, जीपी करके कोई प्रोडक्शन है स्टूडियो, तो मैंने एक्चुअल में उनको मेल भी किया है, लेकिन उनका भी नहीं मेल नहीं किया बिकॉज उनका कोई मेल आईडी नहीं है। नहीं, अच्छा तो ठीक है। और अगर आप लोग कोई भी जानते हो जिसका जेपी प्रोडक्शन वो जो स्टूडियो वहाँ से अगर कोई ताल्लुक है, थोड़ा बहुत भी मतलब जान पहचान कुछ है, अगर हमें परमिशन दिलवा सको आप लोग तो हेल्प करो यार हमारे। आप लोग हो किस लिए, आप लोग मेल करो हमारे लिए, आप लोग वो करो कि कृष्णा भी उसको परमिशन दो, क्योंकि वो हमारे कल्चर को स्प्रेड करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है सॉन्ग में। So here we go. 1, 2, 3 and start. समझ नहीं आएगा ना, लेकिन तो आप लोग कमेंट में बता देना, लेकिन एंजॉय तो हम फुल करेंगे। ये केपी की पहाड़ियाँ हैं ऐसा लग रहा है। मेरे को तो बैटमैन की गाड़ी लग रही है। शॉर्ट्स तो देखो क्या अच्छे शॉट है यार। मतलब लोग अपने सॉन्ग में कौन कौन से गाड़ी लेके आते हैं, फरारी और मर्सिडीज, और वो ये यूनिक गाड़ी लग रही है देख के एकदम। मासूम बच्चे, पठानी बच्चे, वो जो बड़े लोग इतने मासूम होते हैं, बच्चे कितने मासूम होंगे। ये आएंगे अटेंड करने यार, इनका लुक देखो जरा, सारे अंडरटेकर बने हुए। बुला भी रहा है, पता ही अटेंड के लिए बुला रहे हैं उनको। अब पूरे कबीला आ जाएगा। हाय हाय, क्या सीन है यार, एपिक एकदम। ऐसी जगह पे अटेंड करो, मतलब तुम नेचुरल प्लेस पे यार, कुछ सिखा दो यार मेरे को, अटेंड सिखा दो कोई मैं भी करना चाहता हूँ
बच्चे भी कर रहे हैं। कौन कहता है यार ऐसे जगह पे आतंकवाद है और प्यारे लोग हैं। मेहमान नवाजी देख रही हो? ये मुखिया है। गाड़ी को भी रखा हुआ है यार। I didn't expect कि सॉन्ग इस तरीके का होगा। एक्चुअल में पता है ये सॉन्ग तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इसके अंदर तुमने क्या नोटिस किया बताओ जरा। मैंने नोटिस किया कि वो लोग मेहमान को कितनी प्रायोरिटी देते हैं, लाइक इम्पोर्टेंस, और प्यार करते हैं सब लोग एक दूसरे से। इसमें ना उसकी गाड़ी शायद खराब हो गई थी वहाँ पे आने के बाद, उसने अपना आगे का बोनट खोला, ठीक है, उसकी गाड़ी वहाँ खराब हो गई थी, और तो उसकी गाड़ी जब तक बनती जब तक उसने आवाज़ दे के बुलाया कि आ जाओ अटेंड करते हैं, तो उसको वहाँ के जो मतलब जो लोग थे उन लोग ने ज्वाइन किया, उसके साथ अटेंड किया उसको, उसके साथ मतलब उसका टाइम पास किया, ठीक है, उसके बाद उसको पानी पिलाया, बैठने के लिए पूछा वहाँ के मुखिया, वहाँ से उससे मिले आके। तो मतलब एक ऐसा दिखता है ना कि इनका जो कल्चर है ना, मुझे ऐसे लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब मैं कहीं गांव में जाता हूँ कहीं पे ऐसे पुराने जगह पे जाता हूँ तो उनके पास जब कुछ होता नहीं, उनका घर भी इतना वो नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं ना हमारे मड़े ही बोलते हैं जो कि घास का बना होता है, वैसे वैसे जगह पे भी अगर मैं गांव में जाता हूँ तो बहुत दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, बहुत दूर दूर के मतलब गाँव में मिल जाते हैं लोग, तो जब उनका घर जाओ तो उनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होता, लेकिन वो लोग एक चीज़ हमको देते हैं, मतलब कि चाहे वो हमको यहाँ पे आरओ का पानी नहीं दे, लेकिन वो लोग भी जो पानी देंगे, हम लोग जाएंगे तो हमको बैठाएंगे, कुछ भी खिलाएंगे अपनी तरीके से, तो उनका जो प्यार होता है ना गरीबी में रह के भी, वो चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखाई दी इस टाइम पे, कि उन बेचारों का इतना कुछ है भी नहीं, लेकिन ये लोग जो होता है ना सेवा और सत्कार करने में पीछे नहीं रहते, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ये भी यकीन है कि अगर कभी हम लोगों को केपी के या फिर यहाँ पे जाने वाने का मौका मिलता है या पाकिस्तान जाने का मौका मिलता है, अगर हम आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज़्यादा मेहमान नवाजी हमको देखने के लिए मिलेगी वो पठानों के वहाँ पे ही मिलेगी, है ना। बिकॉज़ अगर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा रेगुलरली हमें फॉलो करते हैं वो मोस्ट ऑफ पठान से हैं, और चाहे वो इंडिया से हो चाहे कहीं से हो। लोग तो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे जो नॉन पठान है वो भी ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग पठान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुमने कमेंट भी पढ़े नहीं होंगे रिसेंटली सुबह वाले, तो तुम पढ़ना आज दोपहर में, ठीक है। उसमें लोग ये भी कह रहे थे, एक कमेंट मैंने पढ़ा उसमें कह रहे थे कि मेरा एक दोस्त, मतलब मैं पठानों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत मेरे दोस्त अच्छे हैं, वो लोग होते बहुत मासूम हैं, उनको बहुत लोग ना मतलब उल्लू भी बना देते हैं और उनका मासूमियत का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। अच्छा, ये सब फ़ायदा। और दूसरा चीज़ बहुत सारे लोगों ने बोला था कि पठान का तो सबसे ज़्यादा पहचान वो है कि वो गोरे बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, और उनकी जो आँखें होती है वो मैंने देखा है बहुत सारे, उनकी आँखें थोड़ी नीली कलर की होगी, भाड़ियों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, हाँ। उस तरीके का लुक होता है, ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगता है। जैसे गुलपर्णा में देखो कितनी गोरी है। गाइस यार, गुलपर्णा वाली जो स्टूडियो है जिस पे भी वो गाना गाती है उसका परमिशन दिलाओ, हम लोग उस पर रिएक्शन करना चाह रहे हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगा सही में, कुर्सी उर्सी से उठ के नाचने वाचने लग जाऊंगा मैं, क्योंकि सही में मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन यार पता नहीं क्यों जो उनका रिदम वगैरह ट्यून वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत एक अलग लेवल का है। और गाइस अगर आप लोग हमको कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी जगह से देख रहे हो, तो
आप अगर पठान है तो आप लोग देखते होंगे कि एक्चुअल में पाकिस्तान में तो ये शायद नहीं रिलीज़ हुआ है। जो हमारे चैनल के जो सब्सक्राइब बटन होगा उसके साइड में ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, पाकिस्तान में ये यूट्यूब फीचर अभी नहीं आया है ये वाला फीचर। तो यूट्यूब जो पाकिस्तान से हमको देख रहे हैं उनको ये फीचर नहीं दिख रहा होगा ज्वाइन बटन, लेकिन जो कि आउट ऑफ स्टेट्स मतलब आउट ऑफ कंट्री से हैं, जो भी हमारे इंडिया से हैं या फिर अफगानिस्तान से या फिर और कोई कंट्री जहाँ पर ये फीचर अवेलेबल है, वो लोग को ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा। तो आप लोग वहाँ से हमको स्पॉन्सर कर सकते हो, और स्पॉन्सर करने का ये फ़ायदा है कि आपको कुछ अमाउंट पर मंथ हमको पे करनी पड़ेगी, लेकिन उसके चलते आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जिसमें कि आपको पर्सनली हमारे मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने का मौका मिलेगा, इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इसके अंदर आप हम लोग से डायरेक्ट जुड़ सकते हो और आपकी जो फरमाइश हो वो डायरेक्ट हम तक पहुंचा सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स है उसके अंदर। आपको रैंकिंग मिल जाएगी, आप अगर कमेंट करते हो तो आपका कमेंट हाईलाइट होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग जाके वहाँ चेक कर सकते हो, और अच्छा लगे तो हमें स्पॉन्सर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो बस फिलहाल भी हम लोग चलते हैं, और इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी सॉन्ग हमसे मतलब बताते रहिए हम लोगों को, हम इसको रिएक्शन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और भी कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग धीरे 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 सब कुछ करेंगे, लेकिन यही है कि आप लोग का भी सपोर्ट हमको चाहिए। आप लोग सामने से आओ, जितना जुड़ो हमसे उतना ही, आप अगर दो कदम चलोगे हम चार कदम चलेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिक्स खेल रहे हो? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा सही में यार। कोई अच्छा होता है तो उसका अच्छा बन के रहो, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि भाई वो अच्छे हैं तो हम उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। हम कर रहे हैं उनका एक्सप्लोर यार, उनकी चीज़ों को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मजाक में बोला, तुम क्यों डिफाइन करने में आ जाते हो? नहीं, फिर भी यार लोग बस यार दुखी नेगेटिव ना ले, कोई नहीं लेगा। तो गाइस हम लोग चलते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना हमारे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करो। खुद कर दिया है तो दूसरे से सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ कर दो अब। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी गाइस।